गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज चले कुछ और नए जगह में और ताज़ा ताज़ा जगह आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तब तक ये लगे रहिए लाइन में और चलते रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों यही मेरा धान देखिए थोड़ा सा है, दिखा दे रहा हूँ अंदर में, यही को ले जा रहे हैं बेचने के लिए। और ये खुला खुला बच्चा है, इसको नहीं ले जाएंगे, ए वाला को ले जाएंगे। और कैसे ए वाला की बोरा पैक नहीं हुआ है और ए वाला पैक हो गया है। तो दोस्तों इसी के हिसाब से मैं चलता हूँ अब गाड़ी में लोड करने के लिए, और आप लोग लाइन में लगे रहिए, तब तक के लिए मैं लोड कर लेता हूँ। फाइनली मैं बोरा लोड कर लिया हूँ, ये देखिए ढो ढो के, बहुत पिठा भी दुख रहा है, जैसे कि बहुत अकेले ढोया ना, और क्या बोलते हैं धान गड़ता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ढोया धीरे धीरे करके। अभी 5 बोरा बचा है लोड करने के लिए, और 5 बोरा लोड करता हूँ, इसके बाद आप लोगों को ले जाता हूँ मैं धान मंडी में, जहाँ पे धान बिकता है हम लोगों का, वहाँ भी ले जाता हूँ, वहाँ भी आप लोग देखेगा। ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कितना बचा है। ये देखिए दिख रहा है, मतलब बोले तो 3, 4, 5, 6 बोरी, 6-7 बोरी, 2-1 बोरी घुसा है, 7 बोरी बचा है। इसके बाद चलते हैं मंडी की ओर, और धान मंडी का भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी थोड़ा सा नहाया धोया नहीं हूँ, जैसे कि अभी तो इसे भी गंदा होना है, इसलिए अभी मेरा बाल थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया, कटवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं आगे की ओर, आप लोगों को दिखाता हूँ आगे का। गाड़ी नहीं है, गाड़ी अभी आ रही है, गाड़ी अभी लोड क्या बोलते हैं ट्राली को सेट करेगी, आई है बसंती, इसके बाद सेट होगा और चलेंगे एक बार फाइनली धान मंडी में। जल्दी जल्दी बात करो, हर थोड़ा हल हल काटना पड़ेगा, इसके बाद बिना हल काटे नहीं होगा ना। ठीक है काटते हैं जल्दी के हिसाब से, चलते हैं, बड़ी खजुआ रहा है मेरे को। तो दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और अभी इरिगेशन बांधा के पास पहुंचे हैं, और तुरंत पहुंच के आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ का क्या क्या चल रहा है प्रोसेस। तो दोस्तों हम लोग अभी इरिगेशन बांध के पास निकल चुके हैं, देखिए सामने मेरे पिताजी बैठे हैं और मुन्ना ड्राइवर जी है जो चला रहे हैं, और भागीरथी मामा जी है मतलब पड़ोसी है। और देखिए इरिगेशन बांध के पास पहुंचे हैं, मस्त है, पानी काला दिख रहा है, रीता दादी बहुत एकदम हिड़ा दे रहा है शरीर को एकदम। और दोस्तों हम लोग पहुँच के दिखाते हैं, देखिए अभी रोड में पहुँच गए हैं, जो कि हम लोग इस पे सामने एक ठो खेत है, सोचे थे वहाँ घर बनाने के लिए, क्या करें टावर दिख रहा है वही नुकसान कर दे रहा है हम लोग कि घर बनाए कि ना बनाए, इसलिए घर भी नहीं बनाए। और यहाँ पे तो कोई कोई आ गए हैं, देखते हैं कौन कौन आया है, अभी गाड़ी उड़ी खड़ा है, जबकि यहाँ पे घर नहीं है, खाली जगह है ना, तो यहाँ पे कौन खड़ा कर दिया घर गाड़ी भाई, कोई नहीं है शायद, कोई रोड रोड माटी गिर रहा है उसको चेक कर रहे होंगे। और दोस्तों पहुँचने वाले हैं, चौक में पहुँच गए हैं, अभी तुरंत पहुँच जाएंगे मंडी में, धान मंडी। दोस्तों पहुंच गए हम लोग धान मंडी में, और देखिए थोड़ा सा यहाँ से दूर से दिखा रहा हूँ आप लोग, लगता है गाड़ी खड़ा है, नहीं जा रही गाड़ी का अंदर में, लग तो रहा है जा रहे हैं, टोकन ओकन कटवा लेते हैं, इसके बाद बेचेंगे। टोकन कट गया मतलब एंट्री करते हैं ना गेट में, तो गेट में पहुँच गए हैं, देखिए यहाँ पर लिखाई पढ़ाई करते हैं, तो यहीं पर थोड़ा सा दिखाते हैं आगे का। तो ये मेरा नमी चेक हो रहा है, अब धान गिर गया अंदर में ले आया, नमी चेक कर रहे हैं देखिए, और नमी मेरे हिसाब से और आपके उनके हिसाब सबके हिसाब से ठीक है, और आगे के देखते हैं। मेरा धान एक बोरा कम हो गया था, फिर से मेरे को रिटर्न लेने के लिए जाना पड़ा, इसलिए बोरा वगैरह मैं सब लेके आ रहा हूँ, और अभी जाता हूँ फिर एक बोरा लेके आता हूँ, इसके बाद फिर से तौलाएंगे और बेचेंगे, फिर धो के दिखाएंगे आप लोगों को कैसा है, कितना वजन लगता है। तो दोस्तों मेरा कंप्लीट हो गया, बोरा में पैक कर लिए, अब मेरा गिना भी गया है, लेकिन गिनाते समय मैं भुला गया आप लोगों को दिखाने के लिए, और मेरा खाली अब जा रहा है वहाँ ले जा रहे हैं ढो ढो के, मैं भी ले जाता हूँ कभी कभी, मान लीजिए तो का दो बड़ा, और ले जा रहे हैं ड्राइवर वो है भागीरथी जी मामा जी हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का बिका गया, अब पैसा की बरसात होगा लगता है, हाँ पैसा की बरसात होगा, अब कैसे कि साल भर का कमाई है ना, और साल भर का कमाई एक बार मिलेगा तो पता है कितना मिलेगा, करेजा गदगद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं पैसा मिलेगा तो दिखाऊंगा कितना पैसा मिलता है, और पैसा निकालने के लिए जाऊंगा तो उसको भी दिखाऊंगा कितना पैसा मिलता है। और यही देखिए यहाँ का पूरा लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, कम्प्लीट हो गया, धान बेचा गया, अभी थोड़ा सा बचा है, बोरा पकड़े हैं और आ रहे हैं फाइनली, बोरा क्या बोलते हैं दीवार ऊपर पकड़ लिया है मुन्ना जी, वापस जा रहे हैं अभी घर की ओर, जाने के बाद थोड़ा सा नहा खा के तेल सब लगा के
थोड़ा सा रोड में घूमेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से चलते हैं और आगे का थोड़ा कुछ दिखाते हैं।